नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तराखंड में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में टोटल 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। यह हादसा जो है केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ है। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर क्रैश की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत की पुष्टि किया हुआ है। ये हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे। केदार घाटी की तरफ जब ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब गरुड़ चट्टी में ये क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया और हादसे में हेलीकॉप्टर के सभी 6 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया। खराब मौसम हो सकता है हादसे की वजह। केदारनाथ में एक चश्मदीद ने बताया कि यहां बारिश तेज हो रही है। मौसम सिर्फ 15 मिनट में अचानक से खराब हो गया। इसके बाद हमारी उड़ान भी रोक दी गई। इससे कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, अभी उड़ान रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि इस हेलीकॉप्टर में यात्री सवार थे। 21 और 22 अक्टूबर को पीएम मोदी का भी है दौरा। यह हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे। वे केदारनाथ पहुंचकर वहां चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ दर्शन करने के बाद रात वहीं रुकेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। अब जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना घटी है उसके बाद पीएम के दौरे पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब के चलते हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।